अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है। मेरी ये वीडियो उनके लिए है जो स्टैट्स पढ़ने का सोच रहे हैं या स्टैटिस्टिक्स पे बिगनर्स हैं। सबसे पहले हम स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक डिस्कस करेंगे। हमें ये तो पता होता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, लेकिन स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है ये हम लोगों को नहीं पता होता। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, बैंक्स, इंश्योरेंस, साइंसेस, स्टैटिस्टिक्स इन सब फील्ड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी ओल्ड वर्ड। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत पुराना लफ्ज़ है। इट इज़ फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ है। देयर इज अ वर्ड स्टैटस इन द लैटिन। लैटिन में इसको हम स्टैटस कहते हैं, एंड स्टैटिस्टा इन द इटालियन, और इटालियन में इसको स्टैटिस्टा कहते हैं। अनदर वर्ड इज स्टैटिस्टिक इन द जर्मन लैंग्वेज, और जर्मन लैंग्वेज में इसको स्टैटिस्टिक कहते हैं। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक इज सर रोनाल्ड फिशर, जिन्हें हम सर आर ए फिशर्स भी कहते हैं। शेक्सपियर यूज अ वर्ड स्टैटिस्ट इन हिज ड्रामा हेमलेट 1606। शेक्सपियर ने अपने ड्रामा हेमलेट 1606 में वर्ड स्टैटिस्ट यूज किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग। इसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, इसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं। प्रेजेंटिंग, इसमें हम डाटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। एनालाइजिंग, इसमें हम मेथड्स यूज करते हैं स्टैट्स में, जो यूज होते हैं मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड मच मोर। एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू असिस्ट इन मेकिंग मोर अफेक्टिव डिसीजन, और डाटा को इंटरप्रेट करते हैं अपने डिसीजन को अच्छा कंक्लूड करने के लिए। और इसकी एक और डेफिनेशन है टूल्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। इसको हम टूल्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा भी कहते हैं। मींस के ये न्यूमेरिकल डाटा होता है, इसको क्वांटिटेटिव मतलब के न्यूमेरिकली, इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए हम इसको टूल्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा भी कह सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसमें सबसे पहले हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास हमेशा एग्रीगेट फॉर्म में होता है। मीन्स के अ सिंगल ऑब्जर्वेशन डज नॉट मेक स्टैटिस्टिक्स। कोई भी सिंगल ऑब्जर्वेशन कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल, द इनकम ऑफ मिस्टर ए इज रुपीज 20,000 पर मंथ इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। मिस्टर ए की इनकम अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 20,000 पर मंथ है तो वो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन द मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट्स मे बी 20, 30, 40, 50, दैट इज़ अ स्टैटिस्टिक्स। किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स अगर हमारे पास 20, 30, 40, 50 हैं तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, एंड दैट इज कॉल्ड द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। स्टैटिस्टिक्स को हम हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट लाइक मिस्टर ए इज अ गुड प्लेयर और ही इज अ पुअर पर्सन, दैट इज नॉट न्यूमेरिकली स्टेटमेंट। बट The income of Mr. A is rupees 8,000 per month and that of Mr. B is rupees 9,000 per month, that is numerically statement. के अगर Mr. A की income 8,000 per month है और इसके opposite Mr. B की income 9,000 per month है, ये कोई numbers हैं जिसको हम numerically express कर सकते हैं, तो इसको हम stats कहेंगे। स्टैटिस्टिक्स आर इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टैटिस्टिक्स कभी भी जो हम एस्टिमेट करेंगे कभी भी वो एक्यूरेट नहीं होगी, बिकॉज द मेजरमेंट आर नेवर एग्जैक्ट। कोई भी चीज़ जो हम मेजर करते हैं वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी टेक एन ऑब्जर्वेशन ऑन द वेट ऑफ अ प्लेयर। अगर हमने किसी प्लेयर का वेट एस्टिमेट किया है और वो हमारे पास 70 kg है तो वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होगा, बिकॉज द वेट लाइ बिटवीन 69.5 to 70.5 kg, क्योंकि वेट हमेशा पॉइंट्स में होता है। नेक्स्ट स्टेप है स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। स्टैटिस्टिक्स हमेशा एक सिस्टमैटिक मैनर मीन्स के एक वे में चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी भी प्राइमरी स्कूल्स का अगर हमने डेटा कलेक्ट किया है तो सबसे पहले हम उस प्राइमरी स्कूल्स की लिस्ट बनाएंगे, फिर उसमें से हम कुछ स्कूल्स का सैंपल्स कलेक्ट कर लेंगे। देन जिन स्कूल्स को हमने सेलेक्ट किया होगा उसमें से हम कुछ टीचर्स की और कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट हम लोग बना लेंगे। देन हम लोग एक क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स की लिस्ट बनाएंगे और देन हम लोग एजेस ऑफ स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाएंगे। तो इस सारे वर्क को हम एक सिस्टमैटिक मैनर कहते हैं, और स्टैट्स हमेशा एक सिस्टमैटिक मैनर में
चलता है। नेक्स्ट स्टेप, स्टैटिस्टिक्स आर कंपेरेबल टू ईच अदर। स्टैटिस्टिक्स को हमेशा हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने पाकिस्तान में से डिफरेंट प्रोविंसेस का डाटा कलेक्ट किया है कि उसमें से लिटरेसी लेवल कितनी है, तो हमारे पास पंजाब का लिटरेसी लेवल और बलूचिस्तान का लिटरेसी लेवल फ़र्क आएगा। तो इस चीज़ को हम कंपेरेबल कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशंस हैं जो स्टैट्स में यूज होंगी। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। कोई भी चीज़ जो हम मेजर करें या हम ऑब्जर्व करें उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। पॉपुलेशन, सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। कोई भी चीज़ अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आपको उसमें इंटरेस्ट है और आप उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक गार्डन लिया है और उसमें से आपने ये देखना है कि उसमें कितने फ्रूट ट्रीज हैं, तो वो बहुत सारे होंगे, तो इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। सैम्पल, सैम्पल इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज अंडरस्टडीड। सैम्पल पॉपुलेशन का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उसी गार्डन में से ये देखना है कि उसमें एप्पल ट्रीज कितने हैं, तो ये हमारे पास सैम्पल कहलाता है। पैरामीटर, पैरामीटर इज अ वैल्यू एसोशिएटेड विद द पॉपुलेशन। पैरामीटर पॉपुलेशन का पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज अ वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम अ सैम्पल, और सैम्पल का पार्ट स्टैटिस्टिक्स है। वेरिएबल, एनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन ग्रुप और एनवायरमेंट डैट कैन वेरी और डिफर। कोई भी पर्सन की करेक्टरिस्टिक्स ग्रुप और एनवायरमेंट अगर चेंज करे या वेरी करे तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन डिफरेंट शॉप्स द प्राइस ऑफ एप्पल मे बी रुपीज़ 30, 32, 35, 36 पर केजी। इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। अगर हम किसी भी शॉप पर गए हैं तो उसमें एप्पल की प्राइस हमारे पास रुपीज़ 30, 32, 35, 36 पर केजी है, तो ये चेंज हो रही है, ये वेरी कर रही है, तो इसको हम वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट। अ क्वान्टिटी विच इज़ फिक्स्ड और अ वैल्यू डैट इज़ अनचेंजेबल। कोई भी चीज़ जो हमारे पास फिक्स रहे या कोई भी वैल्यू जो हमारे पास अनचेंजेबल हो, जो चेंज ना हो सकती हो, उसको हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एप्पल आर बींग सोल्ड एट ₹32 ऑन ऑल दी शॉप, डैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेंट। अगर हम किसी भी शॉप पर जाएँ और उसमें हमारे पास एप्पल ₹32 पर केजी पर सेल हो रहा हो, तो इसको हम कॉन्स्टेंट करेंगे, क्योंकि उसकी रुपीज़, उसकी जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा हमारे पास टू टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा, जिसको हम न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं, और उसकी आगे से सब डिवाइडेड टाइप्स हैं टू, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास डिस्क्रीट डेटा, सेकंड है कंटिन्यूस डेटा। क्वालिटेटिव डेटा, जिसको हम नॉन न्यूमेरिक कहते हैं, जो नंबर्स की फॉर्म में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सबसे पहले है क्वांटिटेटिव डेटा, ऑब्जर्वेशन मेजर्ड ऑन अ न्यूमेरिकल स्केल। कोई भी ऑब्जर्वेशन जो हम न्यूमेरिकल स्केल पर मेजर करें उसे हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन रोड और नंबर ऑफ टीचर इन डिफरेंट स्कूल्स। हमारे पास रोड्स पे कितने एक्सीडेंट हुए हैं और कितने स्कूल्स में टीचर्स हैं, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है, क्योंकि हम इसको नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। उसकी सब डिवाइडेड टाइप्स हैं डिस्क्रीट डेटा, डेटा हुज वैल्यूज़ आर काउंटेबल। कोई भी डेटा की वैल्यू जो हम काउंट कर सकें उसको हम डिस्क्रीट कहते हैं। जो हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में होती है उसको हम डिस्क्रीट कहते हैं। कंटिन्यूस डेटा, डेटा हुज पॉसिबल वैल्यूज़ आर अनकाउंटेबल। डेटा की वो वैल्यूज़ जो हमारे पास काउंट, जिसको हम काउंट ना कर सकें, उसको हम कंटिन्यूस कहते हैं। एंड विच मे अज्यूम एनी वैल्यू इन एन इंटरवल, और हमारे पास वो वैल्यू किसी इंटरवल में हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बता दिया जाए कि ये 0 से 2 तक है, उसको हम कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। क्वालिटेटिव डेटा, ऑब्जर्वेशन डेटा नॉन न्यूमेरिकल। कोई भी ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में ना हो, अल्फ़ाबेट्स हो, या हमारे पास कोई ऐसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, तो उसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। हमारा ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हमारा होल स्टैटिस्टिक्स इन 4 ब्रांचेस पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स, सेकंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, थर्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, फोर्थ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। नंबर 1 थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इट डील्स विद द फार्मूलाज एंड रूल्स विच आर यूज इन स्टैटिस्टिकल वर्क। जितना भी हम स्टैटिस्टिक्स में काम करेंगे, जो भी हम फार्मूलाज और रूल्स इस्तेमाल करेंगे, उसको हम थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जितने भी फार्मूलाज मीन मीडियन मोड रेंज इंटरकोटाइल रेंज और जितने भी फार्मूलाज हम लोग पढ़ेंगे और जितने भी रूल्स हम लोग देखेंगे वो सारा थियोरेटिकल स्टैटिस्टिक्स में आएगा. सेकेंड, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. इट कवर्स द मैथड एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिंग ऑब्जर्वेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. जितना भी मैथड हम लोग कवर करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में और कलेक्टिंग ऑब्जर्वेशन के लिए जो डाटा कलेक्ट करेंगे और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो हम लेंगे वो सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आएगा. फॉर एग्जाम्पल जो भी हम ग्राफ लेंगे हिस्टोग्राम पाई चार्ट डॉट चार्ट और मच मोर जितने भी हम लोग ग्राफ यूज़ करेंगे वो सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आएगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज वी मेक एन ग्राफ ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स. जो हम ग्राफ बनाएंगे इम्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स का उसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. सेकेंड, इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स. इट डील्स विद द प्रोसीजर्स ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेज अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिक ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द सैम्पल. फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू हैव एन आइडिया अबाउट द परसेंटेज ऑफ स्मोकर्स इन आर कंट्री. अगर हम लोग एक डाटा कलेक्ट करें स्मोकर्स का तो पॉपुलेशन में से जितना हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे परसेंटेज ऑफ स्मोकर्स का उस सैंपल को हम लोग इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और ये भी हम फर्दर आगे पढ़ेंगे. अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स यूज इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ. ये बहुत सी जिंदगी की फील्ड में इस्तेमाल होता है जैसे कि यूज इन द फील्ड ऑफ बिजनेस इकॉनमी बायोमेट्री डेमोग्राफी एग्रीकल्चर एजुकेशन बैंक्स एंड इंश्योरेंस एक्सेट्रा. ये सारी ब्रांचेस हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे जिसमें से सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स पे डिस्कशन करेंगे देन हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे डिस्कशन करेंगे देन इन्फ्रेंशनल एंड लास्ट अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स. थैंक यू.